जोहार, स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूँ आप मन संग तृप्ति सोनी। संझा के 6 बज गए हे और आज चर्चा करबो भारत के नवा कानून ला लेके। भारत के नवा कानून लागू हो गए हे और ये नवा कानून ला सबला जानना जरूरी है। एकर सेती कि आपन थाना जाता हो, थाना ले लेके कचहरी तक का का बदले है और का का राहत मिले है, एकर बार आज गोठ करबो। भारतीय दंड संहिता यानी IPC अब भारतीय न्याय संहिता हो गए है। का बदले है, का राहत मिले है, कतका मुश्किल है, ये सब पर बात करबो। लेकिन सबले पहली आप ले बताता हूँ कि देश भर में संभवतः छत्तीसगढ़ के कबीर धाम कवर्धा में रात के 12:30 बजे नवा कानून के तहत पहली FIR हुई है। रात के 12:30 बजे FIR रेंगा खार में BNS के तहत यानी कि भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली FIR हुई। इतवारी पंचेश्वर संघ मारपीट और गाली गलौज की शिकायत आ रही से लिखित आवेदन में रात के 12:30 बजे FIR हुई है। BNS के धारा 296-351-2 के तहत FIR हुई। देश में नवा कानून के तहत ये संभवतः FIR के पहली मामला है। अब जानथन के नवा कानून मा का का हवे। 0 FIR होही, SMS ईमेल ले समन भेज जाही, पुलिस हिरासत मा रखे तला बताए लगी। दूसर बात ये कि ऑनलाइन जतका भी रजिस्ट्रेशन है वो अपराध के होही, ये जो है वो बताए गए हवे। बिहाव के झांसा दे के महिला ला छोड़े में 10 बच्छर के सजा के प्रावधान है। नाबालिग संग बलात्कार मा कारावास या मौत के सजा है। आरोपी या पीड़ित दोनों ला 14 दिन के अंदर पुलिस रिपोर्ट चार्जशीट मिले के अधिकार हवे। चार्जशीट दाखिल होने के बाद 60 दिन में कोर्ट में आरोप तय करना होगी। केस के सुनवाई पूरा होने के 30 दिन के अंदर कोर्ट ला फैसला देना होगी। मानसिक स्वास्थ्य ला नुकसान पहुंचाई मन ला 3 साल के सजा है। महिला लड़का मन संग अगर अपराध होते ता अस्पताल में मुफ्त इलाज की बाध्यता होगी। लिंग के परिभाषा में ये सबले महत्वपूर्ण है। लिंग के परिभाषा में ट्रांसजेंडर समाज ला शामिल करेगी सवे कानून के पूरा ये मुद्दा में। काबर के हम देखथन के कतको बेर जो ट्रांसजेंडर होते जिन हमार समाज के अभिन्न अंग हवे, ये मन जब थाना लेके कचहरी तक जाते तो बहुत अकन ओकर मन संग दुआ भेदी करे जाते। तो एला लेके अब ये नवा कानून में अगर प्रावधान है तो ये बड़े बदलाव है। महिला पीड़ित के बयान महिला मजिस्ट्रेट दर्ज करे ऐसे प्रावधान करेगी है। बलात्कार के मामला में ऑडियो वीडियो ले बयान दर्ज हो 41 अपराध में सजा के बेरा बढ़ गए है और 82 मा जुर्माना बढ़े हवे। ये कुछ कुछ एक जो मुख्य मुख्य पॉइंट है ओला हम बता थे ना आपला। लेकिन असल मा जिन बदलाव है जिन बारीक बदलाव है वो बताई हमार संग में पहुना मन जुड़े बर जाते हैं। पहुना मन से गोट बात करबो। हमार संग में SP कबीर धाम डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी जुड़ी हमार संग में। एक संग ही जब मैं ट्रांसजेंडर की बात करे हूँ तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ला लेके जन लंबा बेरा ले काम करे थे विद्या राजपूत जी वो हमार संग में जुड़ी। एकर संग ही हमार संग में जुड़ी रत्नेश अग्रवाल जी जिन वकील है बिलासपुर हाईकोर्ट में। आवो चर्चा की शुरुआत करथन, सबले पहले जोहार करथन SP अभिषेक पल्लव जी हमार संग में हवे। स्वागत जोहार आपला और बधाई भी है एकर सेती के नवा कानून ला कतका तुरंत तुरतेच कार्रवाई करना है और त्वरित कार्रवाई ये कबीर धाम आज एक कीर्तिमान बनाए हैं। लेकिन ओकर तहत न्याय कतका हुई ये देखना है। तमें आप दोनों के स्वागत जोहार। और अभिषेक पल्लव जी आपसे मैं ये जानना चाहूं कि आसान भाषा में अगर आम मनखे ला समझाना है तो बदले का है, थाना ले लेके कचहरी तक का बदले है? सबसे महत्वपूर्ण ये बात बदली है कि अब आप EFIR कर सकते हैं अपने मोबाइल से, व्हाट्सएप करके, मेल करके, फोन करके आप शिकायत कर सकते हैं थाने में। तो आपका ये व्हाट्सएप डिलीवर हो जाएगा, फिर 48 घंटे के अंदर आप थाने जाके सिग्नेचर करेंगे और आपका FIR रजिस्टर हो जाएगा। तो आप जो भी आप व्हाट्सएप करते हैं, जो भी आप ईमेल करते हैं, उसका आपके पास प्रूफ रहेगा कि मैंने ये आवेदन दिया था, ये आवेदन वहां पहुंचा है। पहले काफी बार थानों में होता था कि हम आवेदन लेके जाते थे और थाने वाले हमें वापस भगा देते थे कि नहीं ये FIR नहीं हो सकता, ये शिकायत नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा है जीरो FIR की, पहले जीरो FIR कहीं पे लिखा हुआ नहीं था, अब जीरो FIR जो है वो लिखा हुआ है। आप कहीं भी आपके पास अपराध हुआ हो आप किसी भी थाने में जाके अपराध जो है कायम करा सकते हैं। दूसरा विवेचना में बहुत फर्क आया है। 7 साल से ऊपर जो भी अपराध होगा उसमें फोरेंसिक जांच जो है वो अब कंपलसरी कर दिया गया है।
अब हर फर्ज और सीजर जो हम किसी का करेंगे, किसी की जांच करेंगे, किसी घर की में फर्ज करेंगे या उसका फिजिकल फर्ज करेंगे, तो उसका ऑडियो वीडियो कंपलसरी रहेगा। पहले बहुत शिकायत आती थी कि किसी ने, ये मेरे घर में सामान था नहीं, पुलिस वाले ही रख के फिर उसको जब्त कर लिए, तो अब जब्ती जो है उसकी ठीक ऑडियो है। वीडियो होगी। तो निश्चित रूप से बहुत फर्क है। महिला हाँ कानूनों में सजा का अभिषेक जी, प्रावधान एक टन बढ़ा कैमरा ला दूरिया रखू तो बढ़िया दिख जाही। है। तो काफी फर्क आया है, जैसा आपने खुद ही बताया कि अब हर चीज के लिए टाइमलाइन फिक्स हो गया, कितने दिन के अंदर चार्जशीट होगी, कितने दिन के अंदर जो है वो ट्रायल चलेगा, कितने दिन के अंदर पनिशमेंट मिलेगा। तो उम्मीद है कि अब जो है कन्विक्शन भी बढ़ेगा और ट्रायल भी जल्दी खत्म होगा। इससे ठीक जो है। लोग पहले परेशान रहते थे कि बहुत लंबा केस चलता है, उसमें लोगों को ठीक। अब ये लंबा जिन केस चले थे ओमा कतका सुधार आही एकर पर भी बात करबो। मैं दोबारा लौटू आपन करा। रत्नेश अग्रवाल जी वकील है बिलासपुर हाई कोर्ट में। रत्नेश जी, अब जिन थाना ले के कचहरी तक के चक्कर होते ते मन के सोचते कि कब पिंड छूटा है, लेकिन सवाल ये है के राहत का मिल ही ये नवा कानून ले। का समझत है वकील मन, कतका समझ पाइन है और का बदलाव ला कैसे देखत हो आप? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप मन के जैसे प्रश्न है कि ये नया बदलाव कानून से का वकील मन समझ पाही, आम जनता ला का लाभ हो पाही, और एकर से मुकदमा मामला के निराकरण में का जल्दी आही, का तेजी आही, ये आप मन के प्रश्न है। मैं जो समझ पाया हूँ बोला आप अपन भाषा में आप मन के सामने रखता हूँ। ये जो नवा कानून जो नए है, ये नवा कानून जितका बड़े अपराध हो रही से, उस सब बड़े अपराध में या तो महिला के संलिप्तता रहे या नाबालिग के संलिप्तता रहे, और वो आसानी से महिला या नाबालिग के ऐसे लेके छूट जाते से। तो एकर बारे में नवा कानून में विस्तृत उपबंध करे गए है, और वो महिला और वो नाबालिग जो कि अपराध में संलिप्त है अब नहीं छूट पाई। ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। दूसरा है, जैसे कोई गंभीर मारपीट है, गंभीर कोई अपराध घटे है, तेकमा यदि कोई मुलाहिजा हुआ थे तो वो मुलाहिजा की रिपोर्ट डॉक्टर ला 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना पड़े, और 24 घंटा में यदि अदालत में यदि पेश हो जाए कोई मुलाहिजा कोई रिपोर्ट, तो निश्चित रूप से न्यायालय में प्रकरण के निराकरण में जल्दी आई, तेजी आई, और ये तेजी से लोगों ला जल्दी, आम जनता ला न्याय जल्दी मिली। ये जो बदले हुए कानून है, बदले हुए कानून में पहली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, साइबर क्राइम और क्या बोलते हैं आपके सैटेलाइट क्राइम, इसके बारे में कोई जो उपबंध होते थे वो जटिल होते थे। अपराध में सजा देने के समय उसके विचारण करने में टाइम लगता था, इसलिए लगता था क्योंकि उसके कानून जटिल थे, उसके सिद्धि करने के तरीके बहुत जटिल थे। तो उन परिस्थितियों में अभी जो वर्तमान कानून में जो बदलाव आया है, आईपीसी को, इंडियन पेनल कोड को अभी बदल के भारतीय न्याय संहिता जो बनाए हैं, उस भारतीय न्याय संहिता के जो व्यवस्था है, जो भारतीय न्याय संहिता की जो व्यवस्था है, वो भारतीय न्याय संहिता की व्यवस्था में उन सब बातों का विशेष ध्यान रखे और वो बदलाव करे हम। बदलाव करे से न्याय में न्याय मिले में आसानी जाएगी, जनता ने तुरंत के तुरंत न्याय मिले। जो बड़ी धाराएं हैं जैसे 302 है, 307 है, 376 है, डकैती है, लूट है, हत्या है, ऐसे जो मामला है उसका निराकरण पर टाइम लाइन फिक्स करें हम कि 3 महीने के अंदर विचारण को समाप्त करना है। तो 3 महीने में यदि विचारण समाप्त हुई तो समाज का जल्दी से जल्दी न्याय मिल पाई, और जो विक्टिम है, जो जिन का बोलते हैं पीड़ित बिल्कुल है अपराध से, ओला भी न्याय मिल पाई, ऐसे मोर सोच। बिल्कुल। और ये समाज के अभिन्न अंग है हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगन मन है। विद्या राजपूत जी हमारे संग में जुड़ गए हैं, सदस्य है ट्रांसजेंडर राष्ट्रीय परिषद के, भारत सरकार के ये उपक्रम हवे और वहाँ सदस्य है। विद्या जिले में लंबा बेरा ले देखा था कि बिकट काम करते उन्हें। विद्या जी स्वागत जोहार आपला। और मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक लाइन महू पढ़े हों के लिंग के परिभाषा में ट्रांसजेंडर ला शामिल करके उमल्ला भी उचित न्याय दिवाई जाही ये कानून के तहत, का कैसे कदम आपन समझते हो और का वस्तु स्थिति रहते थाना मनमा या जो जो महसूस करे जाते, अच्छा भी बुरा भी दोनों जानना चाहूँ आपसे। जी नमस्कार, धन्यवाद तृप्ति जी। और मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ पूरे देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे 23 ट्रांसजेंडर जो है वो पुलिस में है। तो इस तरह से पुलिस विभाग जो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बहुत सेंसिटिव है, लेकिन कई ऐसे मामले रहते हैं
फॉर एग्जाम्पल कि कई ऐसे लड़के जो हैं वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ में, खासकर ट्रांसजेंडर महिला के साथ में रिलेशनशिप में रहते हैं, और रिलेशनशिप इन द सेंस कि जैसे उनको ये बोला जाता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मुझे पैसा चाहिए, या शादी का झांसा देके उनका शारीरिक शोषण करते हैं। तो इस कंडीशन में चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है थाने में जाने के बाद में। लेकिन जिस तरह से अभी जो कानून में नए बदलाव किए गए हैं, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जो नालसा जजमेंट आया था 15 अप्रैल 2014 को, इस जजमेंट में हमें ये अधिकार दिया जाता है कि ट्रांसजेंडर अपने आप को महिला पुरुष या ट्रांसजेंडर का जेंडर चुन सकते हैं। ठीक यही चीजें ट्रांसजेंडर कानून लाया गया, उसमें भी लिखा गया। तो इस कानून के तहत अगर किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ में शारीरिक शोषण होता है, खासकर शादी के झांसा को लेके, और अधिकतर ऐसे केस थाने में आते हैं या हमारे सामने भी आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इस ये जो कानून में जो बदलाव आया है उससे समाज को भी न्याय मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में ज्यादा से ज्यादा समुदाय को जागरूक करने की जरूरत है, चाहे वो लीगल रूप से हो, या चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से हो, या कम्युनिटी मोबिलाइजर के तरफ से हो। अगर ये चीजें जो है वो कम्युनिटी तक पहुंचेगी कि अगर उनके साथ में किसी भी प्रकार का शारीरिक शोषण हो रहा है, तो वो थाने तक पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। और अभिषेक पल्लव जी सुनत हैं सब बात ला। अभिषेक जी, आप तो बताए हो कि आसानी का हो ही, लेकिन एक एक बात जो लोगन में घर कर गए है कि धारा ला बस बदल दे है, नंबर बस बदले है, बदले कुछ नहीं है, ये एक एक धारणा बने हैं। दूसरा धारणा ये बने हैं कि 90 दिन के रिमांड में आप पुलिस रख सकत है, एला लेके काकू हुआ अपन। काफी नए का इसमें काफी धाराएं नई आई हैं, जैसे मॉब लिंचिंग की नई धारा है, जो शादी का झांसा देके जो बलात्कार करने की बात थी उसकी उसका नया है। जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है कि अब जो ऑर्गेनाइज सिंडिकेट के रूप में काम करते हैं, इलीगल बेटिंग करते हैं, साइबर क्राइम करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, ड्रग्स का धंधा करते हैं, लैंड स्नैचिंग करते हैं, जो माफियाज हैं, माफिया के लिए एक ऑर्गेनाइज क्राइम जो है जोड़ा गया है, जिसमें 10 साल तक की सजा है, और जो भी सदस्य होगा इस ऑर्गेनाइज क्राइम का उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जैसे मकोका और गकोका महाराष्ट्र में एक अपराध था, उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर्स एक्ट था, उसी तहत पे तीज पे ये अपना 111 ऑर्गेनाइज क्राइम आया है, और इसमें निश्चित रूप से जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, जो माफियाज हैं, उस पर कार्रवाई करने में पुलिस को आसानी होगी। वैसे ही जो लोग क्राइम करके विदेश भाग जाते थे या विदेश से रह के साइबर फ्रॉड किया करते थे, अब उनके खिलाफ भी ट्रायल करना जो है संभव होगा। तो निश्चित रूप से काफी सारी चीजें बदली गई हैं, और पुरानी चीजों को कंटिन्यू भी किया गया है जो चीजें ठीक थी, और जो नई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो पहले एविडेंस एक्ट में नहीं था, अब आपका मोबाइल, आपका ऑडियो, आपके जो सर्वर, उनको भी जब्त करना आसान होगा, और क्योंकि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग और साथ में दुरुपयोग भी होगा, तो निश्चित रूप से बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग जो है ये कानून है। जिन राज्यों में जो स्पेशल कानून बनाए गए थे लोकल एक्ट, उनकी जो अच्छाइयां हैं वो इसमें जोड़ा गया है, और निश्चित रूप से इसका आने वाले समय में फायदा मिलेगा। और जहां तक आपने दूसरा पॉइंट बोला कि रिमांड अब ले 90 लेके दिन कुछ बात है जो 90 दिन के रिमांड बिल्कुल, वाला। पहले 15 दिन के अंदर ही अरेस्ट के 15 दिन के अंदर ही पुलिस जो है पुलिस रिमांड ले सकती थी, अब 15 दिन टोटल ले सकते हैं 90 दिनों के अंदर। काफी बार ऐसा होता है कि जब हम शुरू में किसी को गिरफ्तार करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो काफी चीजें मालूम नहीं चलती है, बाद में कोई दूसरा गिरफ्तार होता है तो वो हमें लीड देता है, तो अब 90 दिन के अंदर हम दोबारा उसको बाहर जेल से बुला के पूछताछ कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज नहीं बढ़ाए, इसलिए लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, 15 दिन ही है टोटल। शुरू में हम 15 दिन यूज कर हाँ, लेंगे तो बाद में नहीं बुला सकते, हाँ तो कहीं ना कहीं भ्रांति फैलाई जा रही है कि पुलिस जो है 90 दिन तक पूछताछ कर सकती है। पूछताछ 15 दिन पहले भी था, 15 दिन अभी भी है। अब ये है कि शुरू में यदि हमने कम पूछताछ की तो हम बाद में ज्यादा पूछताछ कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से इससे भी क्राइम के डिटेक्शन में और सही मुजरिमों को पकड़ने में मदद मिलेगी। ठीक। यही भ्रमला दूर करना चाहते हो मैं कि भ्रम काहे के। अच्छा, एक और जानकारी जीरो एफआईआर ला लेके बता दो अभिषेक जी, कि जीरो एफआईआर का है, आम आदमी ला जानना जरूरी है कि जीरो एफआईआर का होते, उमा कतका न्याय के मतलब उमा का प्राथमिकता रही थे।
ठीक है अभिषेक जी, डिस्कनेक्ट हो गए हैं, दोबारा जोड़बो मल्ला। मैं रत्नेश जी कहना चाहता हूँ। रत्नेश जी, कोर्ट में जिन बात कहे कि 3 महीना के भीतर पत्रक्षेप करना है हाँ ना, तो चार्जशीट दाखिल हुए के 60 दिन में कोर्ट में आरोप तय करना हुई और 30 दिन के अंदर कोर्ट ला फैसला देना हुई। हम फैसला तो करना देखन होगा। के पोथी पोथी रखा रहे थे फाइल बन के, कतको जना अभी तक से न्याय नहीं पा पाए, तो लगते सुधार हुई। हाँ बिल्कुल, एक नया कानून से जो पुराना कानून की जो कठिनाई रही से, जेकर बार न्याय के व्यवस्था जो विफल होती से, ओला चेंज करके, बोला परिवर्तन करके, शीघ्राति शीघ्र न्याय व्यवस्था हो सके, शीघ्राति शीघ्र आम जनता ला न्याय मिल सके, एकर बर ये नवा कानून लाए गए। एवं नवा कानून में जतका पुराना कठिनाई रही से, वो पुराना कठिनाई ले सब दूर करे गए। जैसे कि एसपी साहब ने बताई से कि 15 दिन के पुलिस रिमांड रख सकथन, यदि क्या बोलते हैं अपराधी किसी बात को छिपा देता है, बताता नहीं है, तो थोड़ा सा लंबा समय तक, ज्यादा अवधि दे करके उसको पूछताछ कर सकते हैं। तो ऐसे करके जो एसपी साहब ने बताई से बहुत रोचक जानकारी है। एमा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला जो अपराध है, पहली जैसे ना जैसा अपराध हुआ है, अब वैसा अपराध नहीं हुए, अब अपराध के तरीका बदल गए, अब साइबर आधारित अपराध होते, इलेक्ट्रॉनिक अपराध आधारित अपराध होते, तो ओकर पर एमा विस्तृत कानून करे गए, एमा अपराधी छूट ना पाए, ऐसे करके कानून बनाए गए। जो सामान्य कानून, सामान्य कानून जो समाज के लिए रही से, जो सामान्य अपराध होते से समाज में, ओकर लिए अपराधी कुछ न कुछ रास्ता निकाल करके ओकर तोड़ निकाले थे से, अब वो तोड़ ला सब बंद कर दिए। अपराधी यदि अपराध करे है, साक्ष संकलन होते है, तो वो सजा मिली, और 3 महीने के अंदर चालान पेश करे के अंदर, 3 महीने के अंदर मुकदमा का निराकरण हो जाए, तो आम जनता ला भी ऊपर से न्याय प्राप्त हुई, और जो व्यक्ति में ऊल भरोसा हो न्याय तंत्र पर कि मुला न्याय मिली, इसका ऐसे मोर मानना है। ठीक है, ठीक है। अब वकील मन के जिम्मेदारी कद का बढ़ गए है अब कानून बदले के बाद में, रत्नेश जी? वकील मन की जिम्मेदारी, वकील मन तो हमेशा समाज के पिलर रही से, जब से देश आजाद हुए तब से वकील मन समाज के पिलर रहे, और आज भी समाज के पिलर है। वकील मन के तो जवाबदारी हमेशा से रहे है कि समाज ने न्याय दिलाना है, समाज ला उन्नत और क्या बोलते हैं विकसित करना है, वकील मन के तो हमेशा योगदान देते। तो ये जो कानून बदले है, वकील मन के बहुत महती योगदान रही कि अपराधी ला सजा दिलाए, और जो पीड़ित है वो न्याय प्राप्त हो सके, और जनता में एक शांति और सौहार्दपूर्ण क्या बोलते हैं संदेश जा सके, ऐसे मुझे मानना है। ठीक है विद्या जी, आप बताओ कि एक केस ला आप बताए हो विद्या जी कि ऐसे ऐसे हुआ तेरे से, तो थाना में थोकिन थोकिन मुश्किल हो जाते, लेकिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ अपराध, उकर तरीका और उकर पर न्याय के कतका उम्मीद या न्याय कतका मिला थे, एकर पर मौजूदा कानून से आप का उम्मीद रखता हो, आपके समुदाय का उम्मीद रखते? देखिए, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ में जो क्राइसिस शुरू होता है वो घर से ही शुरू होता है, और सबसे ज्यादा जो सेक्सुअल एब्यूज है वो ट्रांसजेंडर चाइल्ड और टीनेजर के साथ में होता है, और जो कि आइडेंटिफाई नहीं होता है। तो जैसे अभी ये कानून में कहा है कि जो लिंग की परिभाषा में ट्रांसजेंडर भी शामिल किया गया है, तो ऐसे लोग जिनकी आइडेंटिटी ट्रांसजेंडर है, वो लोग भी कहीं ना कहीं उनके साथ जो क्राइसिस हो रहा है वो आइडेंटिफाई होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत है कि सोसाइटी और कम्युनिटी इस मामले को लेके एक्टिव हो या जागरूक हो, क्योंकि क्राइसिस तो आज भी है, लेकिन चीज़ें थाने तक नहीं पहुँचेगी, चीज़ें एफआईआर तक नहीं पहुँचेगी, और चीज़ों पे एक्शन नहीं होगा तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, और उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कम्युनिटी को मोबिलाइज करने की बहुत जरूरत है, जागरूक करने की बहुत जरूरत है, और ना सिर्फ सेक्सुअल एब्यूज को लेके बल्कि विद इन कम्युनिटी भी मारपीट होता है। आप यूट्यूब देख लीजिए, कम्युनिटी और कम्युनिटी के बीच में बहुत विवाद है, चाहे वो एरिया को लेके हो, चाहे वो गद्दी को लेके हो, चाहे वो किसी और भी चीज को लेके हो, वो बहुत हिंसक भी लगता ये है। छत्तीसगढ़ में भी और है, इन सब, ये छत्तीसगढ़ में हाँ भी ये ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में है? भी, हाँ छत्तीसगढ़ में भी ऐसी स्थिति है, लेकिन यहाँ थोड़ा कम है, पर बाहर के राज्यों में ये ज्यादा है। विद इन कम्युनिटी भी मामले बहुत हैं, और वहां भी पुलिस को इंटरवेंशन करने की जरूरत ठीक है, है, क्योंकि कई बार हमने ये आइडेंटिफाई किया ठीक है, है। मान लीजिए कि दो कम्युनिटी के लोग या दो ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, तो पुलिस का ये रहता है इनकी आपस की लड़ाई है, तो वहां पे ऐसा ना हो, वो भी चीजें जो है वो न्यायिक जांच के लिए जाए, और उसका फैसला जो है वो कोर्ट पे हो।
ठीक है। अब मैं अभिषेक पल्लव जी हमारे संग में जुड़ गए हैं दोबारा। अभिषेक पल्लव जी, एक में आपसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जीरो FIR, एला समझना चाहबो के कैसे ये का अधिकार है आम आदमी का ना, जीरो FIR के। मान लीजिए आप ट्रेन में आ रहे हैं और कहीं आपका मोबाइल गुम हो गया, जब आप पहुंचते हैं अपने रेलवे स्टेशन पे तो आपको पता नहीं है कि आप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ आए, मोबाइल आपका कहाँ गुम हुआ है। आप कहीं भी जाके किसी भी थाने में FIR कर सकते हैं। मान लीजिए आपके साथ कोई अपराध हुआ है मुंबई में जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, आप छत्तीसगढ़ में भी आके छत्तीसगढ़ के किसी भी थाने में वहाँ FIR कर सकते हैं। वो FIR जीरो FIR में लिखा जाएगा और फिर उस FIR को जहाँ पे अपराध हुआ है वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पहले बहुत देखा जाता था कि जो विक्टिम है उसको थाने से थाने घुमाया जाता था कि नहीं आपका अपराध उस थाने में हुआ है, आप उस थाने में जाए। जब उस थाने में जाते थे तो कहीं और भेज देते थे। तो अब आपका अधिकार है कि आप अपने अपराध को किसी भी थाने में जो आपके नजदीक है वहां जाके आप अपराध दिखा सकते हैं और वो थाने वाले आपको मना नहीं कर सकता है। तो एक तरह से हमें FIR एट एनी प्लेस का जो है अधिकार मिल गया है, हम कहीं भी जाके FIR करा सकते। ठीक। एक और महत्वपूर्ण जानकारी के नाबालिग मन जिन है वो नाबालिग मन संग अपराध और नाबालिग मन जिन अपराध करते हैं, एक बार भी कुछ बदले है का? बिल्कुल, इसमें इस नए वाले BNF में यदि कि कोई व्यक्ति नाबालिग को इस्तेमाल करता है अपराध करने के लिए तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है। अभी देखा जा रहा था कि नाबालिगों को काफी सारे ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते थे, प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल करते थे, कबाड़ी बिनने के लिए इस्तेमाल करते थे, उनसे गंभीर अपराध भी करवाते थे। तो कहीं ना कहीं अब जो उनको अपराध के लिए प्रेरित ठीक। करेगा, जो उनको अपराध के लिए जॉब में रखेगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। और अब जो नाबालिगों बिल्कुल के बिल्कुल खिलाफ जो अपराध होता है उसमें पहले से ही पॉक्सो एक्ट बहुत ही गंभीर एक्ट है। अब जो पॉक्सो में 18 साल जो बच्चे की डेफिनेशन थी वो नए एक्ट में हर जगह उसको बराबर करके 18 वर्ष कर दिया गया है। 18 वर्ष से छोटा जो भी होगा वो ठीक। बच्चा होगा, और बच्चे में बालक और हाँ बालिका में कोई अंतर नहीं है, उसको जेंडर न्यूट्रल कर दिया हाँ गया है। दोनों हो ही, मतलब ये है कि अब गंभीरता ले, ये नया स्वरूप है, नवा नवा तरीका है, जेमा पुलिस प्रशासन भी पूरा गंभीरता से लगे है, वकील मन के अपन महती जिम्मेदारी है, और हम एक कम्युनिटी की भी बात करें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, ओकर पर भी अब उचित तरीका से न्याय हो ही। बहुत धन्यवाद आप सबके हमारे संग जुड़े पर। देखत रहो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।